तो उपचाची और गोमो में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है, जहां गोमो के बिशनपुर छठ घाट और जीतपुर जमुनिया नदी छठ घाट की साफ सफाई और सजावट की तैयारी जोरों से चल रही है और कमेटी की तरफ से विशेष तैयारी की जा रही है। वहीं बिशनपुर छठ घाट में नदी के बीचों बीच लोहे के ट्रस्ट का पुल बनाया जा रहा है और कमेटी के सदस्यों ने बताया कि गोमो के आसपास के सभी क्षेत्र से लोक आस्था के महापर्व छठ मनाने के लिए पहुंचते हैं। बहुत ही धूमधाम के साथ छठ पूजा मनाई जाती है। पूरे घाट की पूरी साफ सफाई की जाती है, घाट वगैरह यहाँ पर घाट बना करके दिया भी जाता है, पूरी तरह से निशुल्क रहता है और सेवा इसमें यहाँ पर हर स्तर से लोग करते हैं। जो हमारे गोमो के जनप्रतिनिधि हैं, बड़े से लेकर छोटे जनप्रतिनिधि जितने हैं, सारे सबका नाम तो लेना संभव नहीं है, लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग मिल करके सहयोग करते हैं। कोई जेसीबी दे करके सहयोग करता है, कोई तेल भरवा के सहयोग करता है, कोई शारीरिक सहयोग करता है, कोई आर्थिक करता है, इस तरह से सारे लोग करते हैं। कितने दिन से आप लोग साफ सफाई में लगे हुए हैं? दिवाली के बाद से जो है हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। दीपावली कितना इसमें कमेटियाँ इसमें किया हुआ योगदान दिया हुआ है? 8 कमेटियों का योगदान है स्टेशन से लेकर के जीतपुर तक। कितने संख्या में आते हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए? करीबन 10 से 20 हज़ार की संख्या में यहाँ पर भीड़ रहती है, क्योंकि हमारा गोमो के ही लोग नहीं रहते हैं, गोमो से आसपास हरना धनबाद से लोग आते हैं यहाँ पर छठ मनाने के लिए। कतराज डुमरा इधर आसपास जितने भी हैं सारे लोग आते हैं और हर साल यहीं पर आते हैं। प्रशासन का सहयोग किस तरह रहा? प्रशासन का सहयोग भरपूर रहता है, मेडिकल प्रशासन का भी और अपना स्थानीय प्रशासन हरियरपुर प्रशासन थाना जो है वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में सभी दो छठ घाट है, एक जीतपुर छठ घाट, एक बिशुनपुर छठ घाट, दोनों छठ घाट पर थाना की उपस्थिति रहती है। राजेंद्र सिंह, पूर्व मुखिया गोमो दक्षिण। पूरे घाट की पूरी साफ सफाई